4 करोड़ रुपए के लगभग का सौदा किया हुआ था, उसमें 30 लाख रुपए जरी इकरारनामा उसको भुगतान कर बिना रजिस्ट्री कराए हुई है 30 लाख रुपए लेकर भाग गया। 4 करोड़ की जमीन के सौदे में इकरारनामे के तहत दिए गए 30 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार। सुंदर विलास निवासी परिवादी राजेश कुमार ने सदर कोतवाली थाने में दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा। सदर कोतवाली थाने के एएसआई पूरण मल ने बताया कि परिवादी राजेश कुमार निवासी सुंदर विलास ने धोखाधड़ी के मामले में एक परिवाद थाने पर प्रस्तुत किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि उसने नवल किशोर नाम के व्यक्ति से बारादरी के पास एक जमीन का सौदा 4 करोड़ रुपये में किया। इस सौदे के पेटे 30 लाख रुपए इकरारनामा करते वक्त उसे भुगतान कर दिया और बाकी रकम रजिस्ट्री के दौरान देनी तय की गई, लेकिन इसी दरमियान आरोपी नवल किशोर बिना रजिस्ट्री कराए 30 लाख रुपए इकरारनामे की रकम लेकर फरार हो गया, जिस पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 120 बी में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। मामला है कि परिवादी राजेश कुमार ने जमीन का सौदा किया नवल किशोर निवास, राजेश कुमार परिवादी यहाँ का रहने वाला है अपने सुंदर विलास, इसने जमीन का सौदा नवल किशोर से किया। जमीन है बारादरी के आसपास, 4 करोड़ रुपए के लगभग का सौदा किया हुआ था, उसमें 30 लाख रुपए जरी इकरारनामा उसको भुगतान कर दिया, बाकी के रजिस्ट्री होने पर पूरा पैसा दिया जाएगा। बिना रजिस्ट्री कराए हुई है 30 लाख रुपए लेकर भाग गया, जिसमें 420, 406 में दर्ज होकर 33 जारी है। आपका नाम पूर्ण मलेश है।